कहीं ना कहीं भाजपा कह रहे हैं कि ईडी कार्यवाही का कांग्रेस राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की ईडी क्यों नहीं कर रही है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपने देखा, हम लोग तो ईडी सीबीआई नहीं मांग सकते, ईडी सीबीआई होगी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इसमें सीबीआई जांच होगी क्या? नमामि गंगे में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो आरोप उससे उनके लोग लगा रहे हैं, हम ही आरोप लगा रहे हैं अभी। आप बताइए विपक्ष ने क्या ये आरोप लगाए ट्रांसफर पोस्टिंग के? ये सत्ता में बैठे लोग लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगा कब ट्रांसफर हो गया। नमामि गंगे में उनके खुद के मंत्री आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर, तो ये बताइए अभी तो विपक्ष नहीं सवाल कर रहा। और फिर बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाना, केवल उनको ही लाभ पहुंचे ऐसे कानून बना देना, बैंकों में कब डूब जाएंगी पता ही नहीं बैंक कब डूब जाए। और फिर जीएसटी जो दूध दही और मक्खन और चीजों पे लगाए, आटा पर सूजी पर, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति नहीं थी? आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति क्यों दे दी? अगर जीएसटी दिल्ली से लग रही थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति क्यों की? इसलिए महंगाई की जिम्मेदारी लोग हैं, क्योंकि महंगाई पे बहस ना हो जाए, रोजगार पे बहस ना हो जाए, इसलिए जानबूझ करके दूसरे मुद्दों को सामने रखते हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। आज सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार दीपू चौहान को बुलाइए अंदर। पत्रकार साथी, पीओडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि भी मैं एक विशेष जाति से आता हूं इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। सोचो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है। और हमारे बहुत सारे जो जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए जो मंत्री है उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार घूम रहा है। और अगर सवाल ओएसडी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल। ये अगर नमामि गंगे में हुए, एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था वो कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं हुई, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई है, तो आखिरकार हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मांगोगे आप? डीजल पेट्रोल कितना महंगा, खाद कितनी महंगी, डीएपी कितनी महंगी, और बिजली का बिल कितना महंगा है। इसीलिए बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को आगे करती है। यही डिवाइडेड रूल है। डिवाइडेड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइडेड रूल का हिस्सा है। बुनियादी सवाल वही है, महंगाई, रोजगार, कारोबार, काम। आप बताओ कन्नौज में कोई काम हुआ हो तो बता दो आप, बड़ा काम अगर कोई बड़ा काम हुआ हो तो बताइए। जो बने हुए काम है उनको भी बिगाड़ रहे हैं लोग, इनसे कोई काम बिगड़वाना हो तो बिगड़वा दो। आप बताइए मंडी वैसी की वैसी है, इत्र का पार्क में बाउंड्री वाउंड्री बन रही है, परफ्यूम भी पार्क, बिजली में कितना सुधार कर दिया आप बेहतर समझते हो। और ये सड़कें जो चौड़ी हैं गड्ढे हो गए, इसमें गड्ढे भर पाए क्या? सोचिए आप, नहीं स्टेडियम है, पुल है, न जाने क्या क्या काम क्या गिनाए। अब वो काम इसलिए नहीं गिना सकते, वो बीजेपी साजिश करती है, कुछ रखवा देती है मंदिर में, बीजेपी रखवाती है। ये जो सालेगांव की घटना है ये बीजेपी के लोगों ने कराई, जानबूझ करके बीजेपी के लोग ऐसी घटना कराते हैं जिससे समाज में दूरियां बनी रहे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें,
फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।